हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ज्योग्राफी क्लासेस अगेन। ज्योग्राफी की क्लासेस में मैं आई के शर्मा आप सबका दोबारा स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने ना फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। हमने वीडियो के थ्रू भी देखा कि किस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने हमें हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी। किस तरीके से अफ्रीका से अलग होते हुए जो शुरुआत में जो एक ही कॉन्टिनेंट था पेंजिया, वो किस तरीके से टूटा, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से हमें पूरी तरीके से समझ में आई और उसके बाद वो फॉर्मेशन हमारे इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि वो इंडिया पहले हमारे अस्तित्व में नहीं था, वो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट में ही था। फिर बाद में वो क्या है, कैसे हुआ, ऊपर की ओर एशियन प्लेट से आकर के टकराया और आज हम उसे इंडिया कहते हैं, उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। साथ ही साथ हमने कुछ रिवर्स के बारे में भी जाना है जो नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया में बहती है। हमने ये भी जाना कि वो जो नॉर्दर्न जो रिवर्स है वो किस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्मेशन, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है, जिसमें हमने स्पेशली कौन कौन से रिवर्स के बारे में पढ़ा था आप बता सकते हैं? सोचिए, रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए, मुझे बता, बहुत स्मार्ट हो, आप कर सकते हो। यस, वेरी गुड। कौन, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां हैं जो इंडिया के इंडियन जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इंडस कहाँ पर है, कश्मीर के साइड में, गंगा पूरी इंडिया को कवर करती है और ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया में ईस्टर्न साइड से इंटर करती है। इन नदियों के बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ा है और साथ ही साथ अब हम जानेंगे कि जो बेसिक जो डिटेल्स है नॉर्दर्न प्लेन की, उसे हमें हम जानना है। बहुत ही छोटा सा और टॉपिक बचा है नॉर्दर्न प्लेन का, इसके बाद हमारा नॉर्दर्न प्लेन कम्प्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे पेनिनसुला प्लेटू या फिर इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो पहले आप जानेंगे, ज्यादा नहीं, बस कुछ डिटेल्स बचे हुए हैं जो हमें समझना है, जिससे हमें नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, अब ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए मैं आपको चीजें स्टार्ट करता हूँ। The Northern Plains of India. Northern Plains clear mention है, मैंने तो already दो classes ले लिया है। और हाँ, अगर आपका ये पहले class है तो आप इससे पहले की वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको चीजें ठीक से समझ में नहीं आएंगी। कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा दूं, लेकिन वो पहले के वीडियो से बहुत ही शानदार है, अच्छे हैं, आपको देखना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ठीक है, नाउ द नॉर्दर्न प्लेन। अब देखिए, नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पर मैप में साफ साफ आपको मेंशन कर दिया है कि नॉर्दर्न प्लेन कौन सा है? एरिया है, ये वाली एरिया, ये नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया के नॉर्थ साइड में। वेरी गुड, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, बस यही मैंने लिए काफी है। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय थ्री रिवर सिस्टम। मैंने अभी तीन रिवर का आपको नाम बताया कि जो नॉर्दर्न प्लेन से वो कौन से कितने नदियों के सिस्टम के थ्रू बना। ध्यान दीजिएगा, नॉट ओनली थ्री रिवर्स, यहाँ पर सिर्फ थ्री रिवर मेंशन नहीं किया है, यहाँ क्या मेंशन किया है, थ्री रिवर सिस्टम। सिस्टम पर ध्यान फोकस कीजिएगा, थ्री रिवर सिस्टम। ठीक है, और थ्री रिवर सिस्टम में कौन है, सबसे पहले मैं आपको देखो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे भी चीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ से रिवर एक निकलती है और सिंधु रिवर निकलती है, इंडस रिवर, जिसमें यहाँ पर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज रिवर्स यहाँ पर आकर के मिल जाती है। यहाँ से यमुना और ये जो गंगा रिवर है वो यहाँ आती है, यहाँ पर इसकी बहुत सारे नदियाँ मिलती है यहाँ से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से इंटर करती है और यहाँ मिलती है, यहाँ भी इसके बहुत सारे रिवर्स मिलते हैं। अब देखो, ये थ्री जो मेन रिवर्स है, कौन से मेन रिवर है, मैं रेड कलर में कर देता हूँ, इंडस रिवर है, यहाँ पर गंगा रिवर है और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। इन रिवर सिस्टम ने क्या किया, पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन को बनाया है। क्लियर, समझ में आ रही है? अब देखिए आगे, ये जो थ्री रिवर सिस्टम लिखा हुआ है कौन कौन सी है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इंडस कौन सी है, ये रिवर है हमारा इंडस रिवर। ठीक है, ये है हमारे गंगा रिवर, ये जो मेन रिवर है, मैं आपको इसी भी थ्री रिवर्स को ये दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो है ये इंडस रिवर है, ये हो गया हमारे इंडस, मैं आई मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से जो है ये जो है हमारे गंगा रिवर है। ठीक है, ये हो गया हमारे गंगा, और जी मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, इसको मैं बी मेंशन कर देता हूँ। ये थ्री रिवर्स जो है, इन्होंने पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन को बनाया है।
अब देखो यहाँ पे क्या, along with their tributaries, yes, यहाँ पर सिस्टम का मतलब हो गया कि वो सिर्फ अकेले नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके क्लास टीचर, हर एक क्लास टीचर को एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है कि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए, तो क्लास टीचर किसका सपोर्ट लेंगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का सपोर्ट लेंगे ऑफ their respective classes। यानी कि अगर मैं किसी क्लास का क्लास टीचर हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने बच्चों से सपोर्ट लूंगा जिससे कि मुझे उन चीजों को और भी अच्छे से मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो मैं तो हो गया क्या, मेन सोर्स हो गया, साथ में मेरे साथ जो हो गए वो मेरे सहायक हो गए, मेरी मदद करने वाले हो गए। तो मेन रिवर, सपोज मान लीजिए मेन रिवर है, अब इसके साथ जो छोटी छोटी रिवर्स आपके लिए मिल रही है, क्या हो गई, इनकी सहायक रिवर हो गए, तो इनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, यानी छोटी नदियां जो मेन नदी में आकर के मिल जाती है, इनको सहायक नदी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो थ्री रिवर सिस्टम है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस की जो रिवर्स है, जो ये जो थ्री रिवर्स है, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी मिल करके क्या फॉर्मेशन कर रही है, यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन को, प्लेन का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दिस प्लेन इज कंपोज्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में अभी क्लास 10th में भी टॉपिक चल रहा, और अब क्लास 10th में भी जाकर के सॉइल के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। हालांकि आप पिछले क्लासेस में भी, अपने पिछले जो क्लासेस थे, ठीक है, उनमें भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा सॉइल के बारे में। तो एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलती है, इन्हीं जगहों पे मिलती है, बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स, इन रिवर्स के वजह से। तो यहाँ बता रहे, दिस प्लेन इज कंपोज्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, ये प्लेन जो है एलुवियल सॉइल से बनी हुई है, विच हैज बीन डिपोजिटेड ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स। जिसका डिपोजिट मतलब क्या होता है, सॉइल का डिपोजिशन मतलब जो नदियां अपने साथ जो पर्वतों को काट करके लेकर आ रही है सेडिमेंट्स, उसको डिपोजिट कर रही है, जमा कर रही है, फिर जाकर के ये सॉइल बनी है। तो ये डिपोजिशन का काम कब से चल रहा है, तो ये डिपोजिशन का काम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों सालों से चल रही है, लाखों सालों से ये डिपोजिशन का काम चल रहा है, जिसके वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। अगर बात करें टोटल एरिया की, देन द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरे टोटल अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की टोटल एरिया की बात करें तो वो कितना है, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, अप्रॉक्स 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 320 किलोमीटर ब्रॉड। देखिए ये करीब करीब कितना है, देखिए ये अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, ठीक है, लंबाई की अगर बात करते हैं, तो आप देखो ये जो लंबाई है ये करीब करीब 2400 किलोमीटर की है, 2400 किलोमीटर। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी अगर बात करें चौड़ाई की, तो ये कितना होगा, ये करीब करीब 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के आसपास। यानी कि ये जो डिपोजिशन है, ये इन नदियों ने लाखों सालों में ये डिपोजिट किया है, इनकी कमाई है। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से समझा दूं, ये आपको बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए ही चाहिए। इधर नॉर्दर्न प्लेन से स्पेशली थ्री रिवर्स के रिवर सिस्टम के थ्रू बनी है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इन तीन नदियों के बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज में ऑलरेडी बता दिया है, बहुत अच्छे से बताया, गंगा के बारे में बताया, ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया, इंडस के बारे में भी बता दिया मैंने, गोदावरी नदी के बारे में भी मैंने बताया, और यमुना रिवर के बारे में भी बताया। इन नदियों के बारे में आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप बात करते हैं हम स्पेशली मेन प्लेन की, तो ये तीन रिवर सिस्टम के थ्रू ये प्लेन बनी है। ठीक है, इनमें एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा है, यानी कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, और इसकी टोटल जो एरिया है, ये जो लंबाई है 2004 किलोमीटर अप्रोक्स है, और जो चौड़ाई है वो कहीं पर 240 किलोमीटर है, तो कहीं पर 320 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको, और चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। The Northern Plain is divided into three sections. Now listen, Northern Plain को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है? Three sections में। पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, द ब्रह्मपुत्र प्लेन। कौन से? पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। आप याद रखिएगा, नॉर्दर्न प्लेन को तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया, एक पंजाब के तरफ का एरिया, एक पूरे गंगा के तरफ का एरिया, और एक जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन का एरिया, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा।
कि कहां पर किस तरीके से हम यस यहां पर देखिए, ये है हमारा कौन सा एरिया, ये है हमारा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया। अब देखो यहाँ पर आप या, इस मैप में आप देख सकते हैं, इस सॉइल के बारे में भी साथ में साथ आप साथ ही साथ आप समझ सकते हो। ये जो एरिया है हमारा, ये देखो ये पंजाब का एरिया, तो हमने क्या किया, अभी कर दिया, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा निकलती है इस जगह से, ऐसे गंगा फ्लो करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ फ्लो करती है, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो करती है, और इंडस जो फ्लो करती है वो यहाँ से ऐसे करती है। तो अब देखो ये थ्री रिवर्स मैंने बता दिया, ये हो गया हमारा इंडस रिवर, ये हो गया हमारा गंगा, और ये हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर, क्लियर। अब यहाँ पर देखो हमने क्या कहा कि थ्री पार्ट में हमने डिवाइड किया है, कौन से, हम अपने नॉर्दर्न प्लेन्स को। तो पहला जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये पंजाब वाले एरिया में हमने इसको डिवीजन किया, ठीक है। पहला जो है पंजाब वाले एरिया में किया, दूसरा जो पूरा का पूरा ये गंगा का एरिया कर दिया, और थर्ड जो है ये ब्रह्मपुत्र का पोर्शन हमने कर दिया। तो ये नॉर्दर्न प्लेन को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अब चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि आखिर जो थ्री पोर्शन में जो हमने डिवीजन किया है नॉर्दर्न प्लेन को, तो वो कौन कौन सा है। तो देखो पंजाब प्लेन है, गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये मैंने आपको अभी मैप में दिखा दिया। पंजाब प्लेन में क्या मेंशन किया हुआ, द पंजाब प्लेन फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, बिल्कुल हमने क्या दिखा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। एक बार मैं आपको यहाँ पे मैप ही आपके साथ ही साथ आपको लेकर आ जाता हूँ, जिससे कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। जस्ट वेट अ मिनट, अभी आपको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ चीजें मेंशन होगी। अब देखो यहाँ पर द पंजाब प्लेन फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। अब देखिए नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट, ये जो है हमारा वेस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट जो है पंजाब प्लेन है, तो पंजाब प्लेन जो है वेस्टर्न पार्ट को फॉर्म कर रही है, यानी कि ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन, ये जो आपको इस ये जो कलर दिख रहा है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, तो इसका वेस्टर्न पार्ट क्या, ये पंजाब, ये वाली एरिया, ठीक है। दिस इज फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ये इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज को मैं कैसे आपको मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा आपको याद हो जाएगी। यहाँ से जो इंडस रिवर यहाँ से निकल के ये पूरा फॉर्म करती है, यहाँ से पूरा फ्लो करती है, साथ ही इसके जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये पूरे पूरे इंडस यहाँ से बहती है। अब आप कहोगे सर तो इसका ज्यादा पोर्शन तो बाहर है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पंजाब का एरिया है वो काफी बड़ा एरिया है, जो कि पाकिस्तान की डिवीजन होने के बाद करीब 3/4 पंजाब बाहर यानी पाकिस्तान में चला गया। ये जो पोर्शन है पंजाब, इसे इतना बड़ा ही नहीं है पंजाब, ये पूरा पोर्शन पंजाब ही है, जो कि अभी पार्टीशन के बाद चला गया, ठीक है। भारत विभाजन के बाद जो पाकिस्तान बना था, पंजाब का बहुत बड़ा पोर्शन पाकिस्तान में चला गया। तो अब आप देख सकते हो कि पूरा एरिया जो इंडस है उसके ट्रिब्यूटरीज से बनी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जयला झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज रिवर जो है, यहाँ पर जो मैंने भी बताया ये 5 रिवर जो है ये पंजाब बनाते हैं। दो नदियों के बीच के जगहों को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के जगहों को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो अब 5 नदियों के बीच के जगहों को क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जो झेलम चेनाब, ये जो नदियां है ना झेलम चेनाब रवि व्यास सतलज, ये 5 रिवर्स है और 5 नदियों के बीच की जमीन को कहते हैं पंजाब। A major portion of this plain plains is in Pakistan. अब देखिए यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया कि इसका जो अधिकतर पोर्शन है वो पाकिस्तान में है। करीब करीब 4 में से 3 जो 3 पोर्शन, यानी कि अगर हम बात करें तो 75% जो पंजाब है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। दोआब अराउंड इन दिस प्लेन। अब देखो आप देखो क्या बता रहे हैं कि दोआब अराउंड इन दिस प्लेन, इन प्लान में क्या है दोआब, दोआब मतलब जैसे मान लीजिए दो नदियों के बीच का जमीन मैंने कहा, तो झेलम चेनाब के बीच में भी रिवर है तो भी दोआब है, चेनाब सतलज के बीच में भी हो सकते हैं, यानी कि इन नदियों के बीच के जगह में दोआब है। लेकिन 5 नदियों को अगर हम एक साथ लेते तो ये पंजाब कहलाता है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा प्लेन की। तो गंगा प्लेन क्या है, देखिए अभी आपने जो देखा ये पंजाब का पोर्शन हम देखे, ये पूरा का पूरा एरिया जो हमने देखा पंजाब का एरिया देखा, अब हम गंगा का एरिया देखेंगे। क्यों? क्योंकि गंगा यहाँ से फ्लो करती हुई बहती है, तो अब यहाँ से शुरू हो रहा है गंगा का एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, किसके बारे में हमें जानना है, हमें जानना है गंगा रिवर के बारे में। तो बोला गया दिस प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन द गागर एंड तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर कहाँ है, तिस्ता रिवर देखिए सिक्किम से होती हुई बहती है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी ये पूरे एरिया जो है ये गंगा प्लेन में आता है। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। एंड तिस्ता रिवर द नॉर्दर्न स्टेट्स हरियाणा दिल्ली यूपी बिहार पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल लाइन द गंगा प्लेन। अब देखो यहाँ पर हरियाणा का कुछ पोर्शन, ठीक है, हरियाणा का कुछ पोर्शन हो गया, ये हो गया हमारा यूपी का, ये बिहार का, झारखंड का कुछ एरिया, ये पूरा वेस्ट बंगाल, ये पूरे के पूरे एरियाज किस में आते हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं, यानी नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं, ये गंगा के प्लेन में इसे काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, दिस प्लेन फॉर्म्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड लाइज इन असम। अब यहाँ तो हो गया ना, कितने पोर्शन हो गए, चलिए आप देख लेते हैं कितने हमने डिवाइड डिविजन कर दिए। तो अब यहाँ पर देखिए हमने दो डिवीजन किया, एक डिवीजन हो गया हमारा ये वाला एरिया पंजाब का, एक हो गया हमारा ये एरिया गंगा का। अब दूसरा जो हो गया, अब ये एरिया है हमारा कौन सा, ब्रह्मपुत्र प्लेन का। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया कि दिस प्लेन फॉर्म द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, हमारे नॉर्दर्न प्लेन के ईस्टर्न पार्ट का। तो ये नॉर्दर्न प्लेन का ईस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया, नॉर्दर्न प्लेन का ईस्टर्न पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया हमारा वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा मिडिल पोर्शन यानी नॉर्दर्न ही ले सकते हैं, और ये हो गया हमारा ईस्टर्न पार्ट। तो ये तीन पोर्शन है, तो ईस्टर्न पार्ट में कौन सा है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। Now, the northern place of India, आप ये इमेज को देख सकते हो कि कितना शानदार, कितनी खूबसूरत है, ठीक है। तो दोस्तों आज ये जो हमारा टॉपिक जो नॉर्दर्न प्लेन है वो यही खत्म होता है, और आज इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो नहीं देखने पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे या छूट जाएगा, तो आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिस कर जाओगे। क्योंकि आज ज्योग्राफी क्लासेस में सिर्फ पढ़ाता नहीं, आपको कुछ चीजें फैक्ट भी बताता हूँ, कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग भी बताता हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगे। तो दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, अब आपको एसएसटी बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी। देन मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।